इस बार बहुत ही जबरदस्त पूरा धुआं धुआं गाइस। ये देखो दोनों का डिफरेंस। ये चेकआउट करो गाइस। इधर देखो परफेक्ट बैठ गया है, बट इधर क्या हो रहा है कि इधर अंदर चला जा रहा टायर, ये देख रहे हो पूरा गाड़ी घुस गया गड्ढे में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में कुछ तूफानी करने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा कि मैंने अपने V3 के लिए बेस्ट टायर चूज़ किया शॉप जा करके, और बेस्ट टायर लेकर के आया हूँ चीप प्राइस में, जो कि मेरे हिसाब से तो कम बजट में सबसे बेस्ट टायर मुझे लगा गाइस बाकी कम ब्रांड्स के मुकाबले। तो अभी मैं बताऊँगा, बट उससे पहले अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो फिर आप लोग जाकर के मेरा पुराना व्लॉग देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को रिवील करते हैं कि मैंने लास्ट व्लॉग में कौन सा टायर लिया था। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने ये C8 का जूम रेड X1 लिया था। तो मुझे पीछे का टायर लेना था, बट मैंने सोचा कि पीछे आगे दोनों अपग्रेड करते हैं तो साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं पीछे का और आगे का दोनों ले लाया। तो पीछे तो वैसे भी स्टॉक टायर जो R15 V3 का आता है वो तो रेडियल मिलता ही है, बट फ्रंट का नहीं मिलता, तो मैंने इस बार फ्रंट का भी रेडियल ही ले लिया है और दोनों साइज़ मैंने अपग्रेड किया है। जैसे पीछे R15 का 140 सेक्शन का आता है तो मैंने 150 सेक्शन का ले लिया इस बार, और आगे आता है 100 सेक्शन का तो मैंने 110 सेक्शन का ले लिया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड लग रहा है। ये बताओ गाइज, फ्रंट टायर है बट पीछे के टायर की तरह वाइड दिख रहा है देखने में। और ये देखो पीछे का टायर, ये तो अभी ऐसा फिटिंग नहीं हुआ है फिर भी इतना वाइड लग रहा है ना, ये तो हायाबूसा या सुपर बाइक सब के टायर के जैसा लग रहा है देखने में। इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हो, और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मैंने रखा हुआ है ये दोनों को। तो अभी टायर हम लोग फिटिंग करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि मैंने बोला कि ये ब्लॉक कुछ तूफानी होने वाला है, तो हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस, तो अभी बिट्टू भी आ गया, बिट्टू मैं और अंबर है, तो हम लोग तीनों जा रहे हैं। और ये हम लोग टायर लेकर के भी नीचे आ गए हैं, हेलमेट भी ले लिया हूँ बर्नआउट के समय पहनने के लिए, और एक अपनी V3 में मैं जाऊँगा और एक स्कूटी लेकर के जा रहे हैं हम लोग, ताकि टायर भी हम लोग लेते जाए और उधर से ही डायरेक्ट हम लोग शॉप जा कर के चेंज करा लें। चलो फिर डायरेक्ट लोकेशन पे चल के मिलते हैं आप लोग से, फिर वहाँ पे आप लोगों को बर्नआउट देखने को मिलेगा अपनी नायरा का। आज फर्स्ट टाइम बर्नआउट मारने जा रहा हूँ, व्हील कवर सब लगा हुआ, और अभी तो मिट्टी मिट्टी हो गया थोड़ा, पीछे का टायर थोड़ा गंदा भी है गाड़ी। तो चलो फिर डायरेक्टली लोकेशन पे जा कर के मिलते हैं। गाइस, हम लोग अपने लोकेशन में आ गए हैं जहाँ हम लोग को बर्नआउट करना है। आप लोकेशन देखो, एकदम शांत जगह है। और ये रहा अपना बाइक, तो हम लोग टायर लेकर के नहीं आए, अभी हम लोग रिटर्निंग में घर से टायर लेते हुए जाएंगे। मैं इधर से डायरेक्ट शॉप चला जाऊंगा और बिट्टू लोग टायर लेकर के आएगा, क्योंकि स्कूटी में टायर लेकर के आ रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो भाई एक्साइटमेंट सा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, बस बर्नआउट करने के बाद सही सलामत हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाने लायक बस बचे, क्योंकि अगर ज़्यादा ही टायर फट गया तो फिर वहाँ शॉप तक जाने में भी प्रॉब्लम होगा। तो चलो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग बर्नआउट मारेंगे, पहले एक दो बार ट्राई कर लेते हैं। सो गाइज, पहले हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पहले कभी मैंने बर्नआउट मारा नहीं है, तो एक दो बार पहले ट्राई करते हैं फिर फाइनल मारेंगे। तो ट्राई करते हैं, चलो। मैं तो उतना अच्छा कुछ रहा नहीं, तो सेकंड ट्राई करते हैं गाइज।
गाइस एक बार रोड के जगह मिट्टी में उतार करके ट्राई करते हैं बर्नआउट का, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है उसका। एक बार यहाँ ट्राई करते हैं, पोजीशन ले लिया हूँ, रुक जा रहा कपड़ा, तो पोजीशन ले लिया हूँ मैं, चलो ट्राई करते हैं। ओह गाड़ी बंद जाई, रुक जा जरा, गाड़ी है रोड में, उसको जाने देते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। गड्ढा में गाड़ी घुस गया है, अब इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पूरा फंस गया है। एक दो तीन, थ्री टू वन, भाई साहब ऐसा गड्ढा हो गया, मिट्टी में तो कुछ अलग ही रिजल्ट आया है, मिट्टी में तो कुछ अलग ही कांड हो गया। ऐसे में तो फिर गाड़ी फंस जाएगा, तो चलो बेटर ये रहेगा कि हम लोग रोड में ही ट्राई करें, ताकि ज़्यादा फंसने उसने वाला सीन ना हो जाए। एक बार रोड में जाते हैं फिर से, अभी यहाँ एक बार ट्राई करते हैं फिर से हम लोग। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि बर्नआउट के साथ साथ दूसरा गियर भी लगाऊँ, ताकि ज़्यादा स्मूथ बर्नआउट रहे। तो चलो शुरू करते हैं। ओ गाड़ी बंद हो जा रहा है, इलाका धुआं धुआं हो गया गाइस, उधर धुआं दिखा, पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया। ये बर्नआउट गजब का था, पूरा टायर से स्मेल आ रहा रबर का, पूरा जला जला हुआ रबर का स्मेल। बट एक गियर में थोड़ा इंजन खुल के नहीं दहाड़ पा रहा था, अगर दो गियर होता तो फिर कुछ और ही मजा होता बर्नआउट का। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर, अब क्या कूलेंट ऑन हो गया, कूलेंट भी ऑन हो गया भाई, पूरा इंजन हीट हो गया गाड़ी का। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं और इस बार हम लोग दो गियर में ट्राई करेंगे, जिससे थोड़ा और मज़ा आया बर्नआउट का। तो गाइस एक फाइनल ट्राई करते हैं, इस बार गियर चेंज करने का कोशिश करूंगा मैं, दो गियर में इस बार बर्नआउट रहेगा। अब देखते हैं सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो पाता है या नहीं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लगाने से गाड़ी बंद हो गया गाइस।
काफी जबरदस्त पूरा धुआं धुआं गाइस, पूरा धागा निकल आया टायर का। ओ इस बार बहुत ही जबरदस्त बर्नआउट रहा, दो गियर में था इस बार। वह देख रहे हो अभी भी धुआं आ रहा है टायर से, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। और अब तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बर्नआउट हम लोग ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का इंजन पूरा हीट हो जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा टायर बर्नआउट का मज़ा के वजह से मेरा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए अब हम लोग इतना ही बर्नआउट करते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा दूर जाना भी है अपना टायर चेंज कराने के लिए, तो उतना दूर जाने लायक भी रहना चाहिए भाई गाड़ी। तो चलो फिर, देख रहे हो एक बार लाओ, ये देख रहे हो, सुन रहे हो कितना ज़ोर से फ़ैन काम कर रहा है, एकदम बहुत ही ज़ोर का इंजन गर्म हो गया है, कूलेंट पूरा अपना ऊपर से नीचे का ताकत लगा दिया है गाड़ी को ठंडा करने के लिए। बस आप ये चेकआउट करो गाइस, बीच में तो एक अलग ही लाइन बन गया है, ऐसा लग रहा है टायर में ही ग्रिप डिज़ाइन है वो ग्रिप। तो चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए, अब इधर भी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, और मैं निकलता हूँ डायरेक्टली शॉप के लिए, और बिट्टू लोग घर जा कर के टायर लेते हुए उधर ही से आएगा शॉप। तो चलो फिर अब टायर चेंज करा ही देते। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा बर्नआउट देखने में। मैं तो भाई मार रहा था बर्नआउट, मुझे बस धुआं धुआं नज़र आ रहा था। मैंने अभी तक खुद फुटेज नहीं देखा है कि कैसा वीडियो आया, क्या ज़बरदस्त दिख रहा होगा। तो चलो फिर बाकी का बात वहाँ टायर चेंज कराते कराते करते हैं। चलो फिर शॉप के लिए हम लोग निकलते हैं फिर। तो ये देखो हम लोग शॉप आ गए हैं, यहाँ टायर भी हम लोग का लेके आ गया बिट्टू, ये रहा अपना टायर। तो अभी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, तो अभी पैडलॉक में हम लोग लगा दिए गाड़ी, टायर अलॉय से बाहर आते हुए दोनों का डिफरेंस, हालांकि उतना साथ में रखने से पता नहीं चल रहा है ज़्यादा डिफरेंस, बट ये एक सेक्शन वाइड है। ये अपना न्यू टायर इंस्टॉल होते हुए, अभी हवा भरवा लेते हैं फिर फिटिंग होगा। अब इंस्टॉल हो रहा है, पहले से तो मस्त वाइट लग रहा है देखने में, देखने में ग्रिप भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और वाइट भी लग रहा है मस्त। अब ये देखो गाइस, फाइनली पीछे का लग गया हम लोग का टायर, देख रहे हो पीछे का टायर तो निकल गया, आगे अभी जैक में लगा दिए गाड़ी को और अभी आगे का टायर भी निकल रहा है। ये देखो ये निकल भी गया, पता भी नहीं चला कब निकला। ये देख, ओ भाई पानी छिटा, अभी ये नया टायर लगेगा इधर। अब अभी आगे का टायर बाहर आ रहा है, यो ये नया वाला लग रहा है हम लोग का, ये भी एक सेक्शन वाइड है, भयानक मज़ा आने वाला है। चलो हो गया, फ्रंट का टायर लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है, इधर देखो परफेक्ट बैठ गया है, बट इधर क्या हो रहा है कि इधर अंदर चला जा रहा टायर, ये देख रहे हो, फिर इधर परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ तक, फिर इसके बाद इधर वही अंदर चला जा रहा, फिर इधर हम लोग दबा रहे हैं
तो फिर ये अंदर चला जा रहा है, वो बाहर आ रहा। तो यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को फ्रंट टायर के साथ। तो ये बैक पीछे का टायर तो लग गया गाइस बाइक में, बट ये फ्रंट का टायर बैठ ही नहीं रहा है अच्छे से। तो इसको हम लोग बहुत कोशिश किए बिठाने का बट बैठ नहीं रहा। तो अभी हम लोग जो पहले से टायर लगवा तो वही लगवा लेंगे अपनी गाड़ी में। और मैंने कॉन्टैक्ट किया जहाँ से हम लोग ये टायर खरीद करके आए थे वहाँ, तो उन्होंने बोला कि टायर लेकर के आ जाओ, हम लोग इंस्टॉल कर देंगे अच्छे से। तो अब यही ऑप्शन है कि ये टायर मतलब पुराना टायर लगा के ये टायर लेके मुझे जाना होगा वापस से वहाँ शॉप, फिर वहाँ पे चेंज करा लूँगा मैं, वो लोग इंस्टॉल कर देंगे अच्छे से। तो फिर क्या करूँ, ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, न्यू टायर इंस्टॉल करके मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगा। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।